इस डर को पार करके समंदर पे गलत काम करने कोई उतरा, मैं वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। नहीं पापा, यू आर इन डेंजर। तो दोस्तों, फाइनली श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 ने शाहरुख खान के जवान का लाइफटाइम कलेक्शन क्रॉस कर दिया और ये फिल्म बन चुकी है हिंदुस्तान सिनेमा की सबसे ज़्यादा इंडिया नेट कलेक्शन करने वाली फिल्म। वही दोस्तों, थलापति विजय की फिल्म द गोट को भी बॉक्स ऑफिस पर दूसरा हफ्ता चल रहा और इस फिल्म ने भी दूसरे हफ्ते में कर ली है रिकॉर्ड तोड़ कमाई। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे स्त्री 2 के 33 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, वही द गोट के 12 दिनों के कलेक्शन, साथ ही साथ बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई तुम्बाड और करीना कपूर की द बकिंगम मर्डर के 4 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, और जानने वाले हैं जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म द बकिंगम मर्डर्स के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है हंसल मेहता ने और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रही है करीना कपूर खान। बताना चाहूंगा दोस्तों, 40 करोड़ के बजट के बनी इस फिल्म को हिंदुस्तान में 700 स्क्रीन पर रिलीज किया था, वही ये फिल्म विदेशों में सिर्फ 200 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। अब दोस्तों, फिल्म का टॉपिक काफी ज्यादा ऑफबीट है, जिसके चलते इस फिल्म को ना तो ज्यादा स्क्रीन मिली और ना ही ज्यादा सोर्स। उसके बावजूद भी दोस्तों, यहां पर करीना कपूर के स्टारडम के हिसाब से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक डिसेंट कमाई वीकेंड में की। वही दोस्तों, ये फिल्म वीक में भी एक अच्छा खासा होल्ड बना के रखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जितना फिल्म का बजट है उस हिसाब से देखे जाए तो यह फिल्म शुरुआती 4 दिनों में एक तरह से ठीक ठाक कमाई कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए द बकिंगम मर्डर्स के 4 दिनों के वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन इंडिया कलेक्शन 1,62,00,000 रुपए का किया था। वही दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में हल्की सी ग्रोथ आई थी और फिल्म ने सेकंड डे 2,41,00,000 रुपए कमाए, लेकिन दोस्तों तीसरे दिन था संडे, जिसके चलते फिल्म के कलेक्शन में एक बार फिर से उछाल आया और फिल्म ने तीसरे दिन 3,38,00,000 रुपए की कमाई की। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि आज मंडे है, लेकिन कहीं कहीं जगह पर हॉलीडे है, जिसके चलते फिल्म को आज भी ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी मिल चुकी और ये फिल्म अपने चौथे दिन लगभग 1,20,00,000 रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों, द बकिंगम मर्डर्स का शुरुआती 4 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 8,61,00,000 रुपए का हो रहा है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 10,24,00,000 रुपए। वही दोस्तों, 4 दिनों में फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो लगभग 12 करोड़ का हो चुका है। तो अब देखते हैं दोस्तों, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आने वाले दिनों में और कितनी कमाई मिलती और इस फिल्म का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक जाता है। लेकिन दोस्तों, अब अगर बात करें हॉरर फिल्म तुम्बाड के बारे में, जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तुम्बाड इस हफ्ते री रिलीज हुई और दोस्तों, इस फिल्म ने री रिलीज होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से धमाका किया है, उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये मास्टरपीस मूवी लोग अभी भी सिनेमा घर में देखना पसंद कर रहे हैं, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 6 साल पुरानी फिल्म होने के बावजूद भी 4 दिनों में शानदार कमाई कर ली। जी हां दोस्तों, जितना कलेक्शन इस फिल्म ने पहली बार रिलीज होकर किया था उससे ज्यादा कमाई ये फिल्म दोबारा रिलीज होकर कर रही है, जिसके बाद तो यही कह सकते हैं कि इस फिल्म को अब बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर का टेक मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर बात की जाए तुम्बाड के 4 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन 1,62,00,000 रुपए की कमाई की थी, वही दोस्तों फिल्म ने दूसरे दिन कमाए थे 2,65,00,000 रुपए, वही तीसरे दिन संडे होने की वजह से इस फिल्म के कलेक्शन में भी अच्छी खासी ग्रोथ है और फिल्म ने तीसरे दिन 3,47,00,000 रुपए की कमाई की। हालांकि दोस्तों, बात करें आज यानी कि चौथे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी मिली है वो कहीं ना कहीं फिल्म के फर्स्ट डे की ही तरह है, मतलब कि मॉर्निंग वाले शोज में फिल्म की ऑक्यूपेंसी चौथे दिन की और पहले दिन की लगभग एक जैसी ही है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक तुम्बाड फिल्म अपने चौथे दिन 1,50,00,000 रुपए कमा रही है। इसी के साथ दोस्तों, तुम्बाड का शुरुआती 4 दिनों का री रिलीज इंडिया नेट कलेक्शन 9,27,00,000 रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 11,03,00,000 रुपए। अब अगर फिल्म के पहले और अभी के कलेक्शन टोटल जोड़ दिए जाए तो
इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑल इंडिया ग्रोस हो चुका है 26,34,00,000 रुपए का। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म का बजट है 15 करोड़ रुपए, उस हिसाब से देखे जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये मूवी सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर भी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस महीने रिलीज होने जा रही एक्शन पैक्ड फिल्म देवरा के बारे में। तो दोस्तों, पैन इंडिया फिल्म देवरा, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है शिवा कोटला ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे यंग टाइगर जूनियर एनटीआर और उनके साथ में है सैफ अली खान और जानवी कपूर। अब दोस्तों आपको बता दें कि देवरा फिल्म रिलीज होगी 27 सितंबर को, आज है 16 सितंबर, यानी कि यह फिल्म सिर्फ 11 दिनों बाद दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है। अब दोस्तों, फिल्म को जहां रिलीज होने में 11 दिन बाकी है, ऐसे में इस फिल्म की इंडिया की एडवांस बुकिंग तो 3-4 दिनों बाद शायद खुल जाएगी, लेकिन फिल्म की ओवरसीज मार्केट की एडवांस बुकिंग ऑलरेडी एक हफ्ते से भी ज्यादा समय पहले खुल चुकी थी, जहां पर फिल्म को जो रिस्पॉन्स मिला है वो पूरी तरह से खतरनाक है, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जूनियर एनटीआर के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग लेगी। जी हां दोस्तों, अगर बात करें देवरा के ओवरसीज एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म की प्रीमियर प्लस फर्स्ट डे की जो ओवरसीज एडवांस बुकिंग है वो 1.68 मिलियन डॉलर की हो चुकी है, जो कि होते हैं लगभग 14,09,00,000 रुपए। वही दोस्तों, इस फिल्म की जो वीकेंड की ओवरसीज बुकिंग है वो हो चुकी है 2.30 मिलियन डॉलर की, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 19,28,00,000 रुपए होते हैं। जी हां दोस्तों, फिल्म को रिलीज होने में अभी भी 11 दिनों का समय बाकी है, लेकिन यह फिल्म विदेशों से एडवांस बुकिंग में ही 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। एक बार जैसे ही इस फिल्म की इंडिया में बुकिंग शुरू होगी तो उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग कलेक्शन करेगी, और रिलीज होते ही पहले दिन फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिनिमम 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहेगा। वही दोस्तों, अब अगर बात करें इस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री 2 के बारे में, अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनी हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2, जिसका बजट था सिर्फ 80 करोड़ रुपए, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को सिनेमाघरों में 5वें हफ्ते तक ताबड़तोड़ कमाई मिलती रही, और यह फिल्म सिनेमाघरों में अपने बजट से 10 गुना से भी ज्यादा कमाई कर चुकी, और यहां तक कि स्त्री 2 ने शाहरुख खान की 300 करोड़ के बजट में बनी फिल्म जवान का जो ऑल इंडिया नेट कलेक्शन है उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लेडी सुपरस्टार श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की फिल्म स्त्री 2, जिस फिल्म को सिनेमाघरों में अब 33 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन पे दिन शानदार होते जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब तो यह फिल्म इंडिया नेट कलेक्शन 600 करोड़ का ही करके रहेगी, और इंडियन सिनेमा के इतिहास में पहली ऐसी हिंदी फिल्म होगी जो कि हिंदी नेट कलेक्शन 600 करोड़ रुपए का करेगी। जी हां दोस्तों, जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब किसी को लगा भी नहीं था कि इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन क्या होगा, मतलब कि सबने सोचा था कि 200-250 करोड़ कमाएगी वर्ल्ड वाइड मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा 300-400 करोड़, लेकिन दोस्तों फिल्म से जितनी उम्मीदें थी उतना कलेक्शन तो यह फिल्म पहले हफ्ते में ही कर चुकी थी, उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें हफ्ते तक फिल्म के कलेक्शन दिन पे दिन इतने बेहतरीन आते रहे कि भैया इस मूवी का अब तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरी तरह से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुका है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें स्त्री 2 के 33 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, दोस्तों इस फिल्म ने शुरुआती 30 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 567,78,00,000 रुपए का किया था, वहीं 31वें दिन कमाए 5,55,00,000 रुपए, और 32वें दिन फिल्म ने इंडिया से कमाई की 7,42,00,000 रुपए की। अब बात करें इस फिल्म के आज यानी कि 33वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि आज मंडे है, लेकिन हिंदुस्तान में कई जगह पर हॉलीडे है, जिसकी वजह से फिल्म को आज भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है मॉर्निंग शोज में, वही आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी काफी बढ़िया हो चुकी है। तो दोस्तों जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक स्त्री 2 अपने 33वें दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 4,50,00,000 रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों स्त्री 2 का शुरुआती 33 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 585,25,00,000 रुपए का हो रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म जवान का जो हिंदी नेट कलेक्शन है वो लगभग 585 करोड़ का था, लेकिन यहां पर स्त्री 2 जवान से भी ज्यादा कमाई करके हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा नेट कलेक्शन करने वाली फिल्म बन चुकी है, यानी कि स्त्री 2 आ चुकी है नंबर 1 पर और जवान जा चुकी है नंबर 2 पर। हालांकि आपको बता दें कि स्त्री 2 का जो इंडिया ग्रोस कलेक्शन है वो 690,58,00,000 रुपए का हो चुका है, वही फिल्म का 33 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है
वो हो चुका है 826 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म अभी तक तो 826 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है और इतना कन्फर्म है कि फिल्म अब 850 करोड़ का आंकड़ा भी टच कर देगी। लेकिन देखना यह है कि 850 करोड़ से आगे ये मूवी और कितनी कमाई कर पाती है। वही दोस्तों, अब अगर बात करें इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म द गोट के बारे में, वेंकट प्रभु के डायरेक्शन में बनी एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं थलापति विजय और प्रभु देवा। अब दोस्तों यहां पर थलापति विजय ने यह साबित कर दिया है कि उनका स्टारडम कितना खतरनाक है। मतलब कि दोस्तों बाकी सुपर स्टार्स की फिल्मों को अगर मिक्स रिव्यूज मिल जाते हैं तो वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 5-6 दिनों में दम तोड़ देती है, लेकिन यहां पर थलापति विजय की फिल्म गोट को जो रिव्यूज मिले थे और किसी से अच्छे किसी से बुरे यानी कि पूरी तरह से मिक्स रहे थे, लेकिन मिक्स रिव्यूज के बावजूद भी ये फिल्म सिनेमा घरों में धूम मचा रही और ये फिल्म ऑलरेडी तमिल सिनेमा की तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने जा रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत ही जल्द गोट फिल्म तमिलनाडु में रजनीकांत की फिल्म जेलर का लाइफ टाइम कलेक्शन भी क्रॉस कर देगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म को तमिलनाडु के अलावा तेलुगु स्टेट में काफी ठंडा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन कर्नाटका से फिल्म ने शानदार कमाई की। वही नॉर्थ इंडिया यानी कि हिंदी मार्केट से भी फिल्म के कलेक्शन ठीक ठाक रहे, लेकिन यहां पर थलापति विजय का जो एक और बड़ा मार्केट है केरला, वहां पर इस फिल्म ने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया। लेकिन फिर भी ओवरऑल देखे जाए तो दो गोट फिल्म का इंडिया कलेक्शन भी शानदार हो चुका है। वही फिल्म ने विदेशों से भी काफी तगड़ी कमाई की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज हुई थी और अगर बात करें फिल्म के 5 भाषाओं के वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि द गोट फिल्म ने शुरुआती 10 दिनों के अंदर सभी भाषाओं से इंडिया नेट कलेक्शन 198 करोड़ 65 लाख रुपए का किया था। वही दोस्तों 11वें दिन संडे था, जिसके चलते फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा उछाल आया और फिल्म ने 11वें दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया 14 करोड़ 32 लाख रुपए का। अब अगर बात करें इस फिल्म के आज यानी कि 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि आज मंडे है, जिसके चलते इस फिल्म के ऑक्यूपेंसी में एक अच्छा खासा ड्रॉप आ चुका है। फिर भी 12वें दिन के हिसाब से देखे जाए तो फिल्म ने काफी अच्छा होल्ड बना के रखा है और ये फिल्म अपने 12वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 5 करोड़ 50 लाख रुपए का सभी भाषाओं से। और इसी के साथ दोस्तों द गोट का शुरुआती 12 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 218 करोड़ 40 लाख रुपए, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 260 करोड़ 13 लाख रुपए। अब अगर बात करें फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन यानी कि विदेशी कमाई की, तो दोस्तों आपको बता दें कि द गोट का जो ओवरसीज का अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 147 करोड़ 8 लाख रुपए का हो चुका है। और इसी के साथ दोस्तों द गोट का शुरुआती 12 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 407 करोड़ 21 लाख रुपए का हो गया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, थलापति विजय की फिल्म द गोट हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं से 12 दिनों में 407 करोड़ 21 लाख रुपए की शानदार कमाई कर चुकी है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि इस फिल्म का भी जो फाइनल कलेक्शन है वो 450 करोड़ पे रुकता है या 500 करोड़ रुपए पे। वैसे आपको क्या लगता है द गोट का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।